वैवस्वत मनु की प्रथम संतान ईला और चंद्रपुत्र बुध के पुत्र पुरुरवा ने चंद्रवंश की स्थापना की और वर्षों धर्मपूर्वक प्रजापालन किया। महाराज पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी के पुत्र आयु ने उनके बाद चंद्रवंश की बागडोर संभाली। आयु अपने पिता के अनुरूप ही राजधर्म का पालन करने वाले प्रतापी और प्रजावत्सल राजा थे। इतना ऐश्वर्य और वैभव पाने के बाद भी आयु का मन हमेशा निसंतान होने के दुख में डूबा रहता था। उनके पश्चात चंद्रवंश के अस्तित्व का क्या होगा, इस चिंता में वो सदैव उलझे रहते थे। मन में एक उत्तराधिकारी की कामना लिए राजा आयु ने महारानी प्रभा के साथ भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाने का निर्णय लिया। दोनों ने 100 वर्षों तक भगवान दत्तात्रेय के आश्रम में रहकर उनकी सेवा की। उनकी सेवा और भक्ति से संतुष्ट होकर त्रिदेवों के अवतार भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें एक चक्रवर्ती पुत्र का वरदान दिया। इस प्रकार संतान प्राप्ति का वरदान पाकर महाराज आयु और महारानी प्रभा राजमहल में लौट आए और पुत्र जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरी ओर एक दिन देवी पार्वती व महादेव अलकापुरी के सुंदर नंदनवन में विचरण करते हुए इच्छा पूर्ति करने वाले कल्पवृक्ष के समीप रुक गए। महादेव ने देवी पार्वती से कल्पवृक्ष से अपनी कोई भी इच्छा प्रकट करने को कहा। महादेव के सदा योग साधना में लीन होने के कारण कभी कभी देवी पार्वती का मन उदास हो जाता था, इसलिए उन्होंने कल्पवृक्ष से अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। कल्पवृक्ष ने देवी की मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें एक सुंदर कन्या प्रदान की। अपने अकेलेपन के शोक को हरने के लिए जन्मी इस कन्या का नाम देवी ने अशोक सुंदरी रखा। एक बार नंदनवन में विचरण करते हुए अशोक सुंदरी का सामना हुंड नामक एक दैत्य से हो जाता है। हुंड देवी की असीम सुंदरता से मोहित हो जाता है और अपनी इस वासना के चलते वो अशोक सुंदरी को विवाह का प्रस्ताव देता है। देवी अशोक सुंदरी को अपने भविष्य का ज्ञान था, इसलिए वो हुंड से कहती हैं, मुझसे दूर रह दैत्य, मेरा विवाह महाराज आयु के चक्रवर्ती पुत्र के साथ निश्चित है। तू इस विधान में खलल डालने का प्रयास मत कर। परंतु वासना के वशीभूत हुंड ने देवी के तिरस्कार को अनसुना करते हुए बलपूर्वक उनका अपहरण करने की कोशिश की। हुंड के इस अनैतिक व्यवहार से क्रोधित होकर देवी ने उसे शाप देते हुए कहा, अरे मूर्ख, काम वासना ने तुझे बुद्धिहीन कर दिया है, तेरा विनाश निश्चित है। जिस आयु पुत्र से मेरा विवाह होना है वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यद्यपि हुंड को अपने दैत्य बल पर पूरा विश्वास था, परंतु अशोक सुंदरी के शाप ने उसे चिंतित अवश्य कर दिया था। इस शाप से मुक्ति के लिए जैसे ही महारानी प्रभा ने पुत्र को जन्म दिया, हुंड ने राजमहल से उसका अपहरण कर लिया और अपनी एक दासी को उसकी हत्या करने के लिए दे दिया। विधि का विधान कौन बदल सकता है? दासी उस नवजात शिशु का वध न कर सकी और उसने उस बालक को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ दिया। ब्रह्मर्षि ने उस बालक को अपने संरक्षण में लिया और उसे नहुष नाम दिया। नहुष गुरु के आश्रम में बड़ा होने लगा और शस्त्र शास्त्रों की दीक्षा लेने लगा। जैसे ही नहुष युवा अवस्था में पहुंचे, एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, पुत्र, तुम्हारी शिक्षा संपन्न हो चुकी है और अब तुम नियति के द्वारा निर्धारित कार्यों का संपादन करने के लिए सर्वथा योग्य हो गए हो। तुम
महाराज आयु के पुत्र और सुद्युम्न पुरुरवा जैसे चक्रवर्ती सम्राटों के वंशज हो। अब तुम चंद्रवंश के उत्तराधिकारी बनने के लिए सक्षम हो, परंतु राज्य कार्य में लिप्त होने से पहले एक और कार्य संपन्न करना होगा। क्षमा करे गुरुदेव, मैं अभी तक उस उद्देश्य से अपरिचित हूं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु वशिष्ठ को उत्सुकता पूर्ण दृष्टि से देखते हुए नहुष ने कहा, हे आयुपुत्र, तुम्हारा विवाह स्वयं महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी के साथ संपन्न होगा, परंतु उसके लिए तुम्हें हुंड दैत्य का वध कर उसका उद्धार करना है। वशिष्ठ ने नहुष को उनका उद्देश्य बताते हुए उन्हें देवी अशोक सुंदरी के जन्म पर हुई भविष्यवाणी और हुंड को उनके दिए हुए शाप के विषय में अवगत कराया। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार नहुष ने हुंड के महल पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया और देवी अशोक सुंदरी का उद्धार कर उनसे विवाह किया। महाराज आयु के बाद नहुष प्रयाग के सिंहासन पर आरूढ़ हुए और भगवान दत्तात्रेय के वरदान के अनुसार राजसूय यज्ञ का आयोजन कर समग्र पृथ्वीलोक पर विजय प्राप्त की। देवी अशोक सुंदरी से नहुष को यति, ययाति, शाम्यति, आयाति, वियाति और कृति जैसे पुत्र हुए। गुरु वशिष्ठ के कहे अनुसार केवल हुंडवध अथवा चक्रवर्ती सम्राट बनना ही नहुष के जन्म का लक्ष्य नहीं था, उन्हें तो आगे चलकर और भी असाधारण कार्यों को संपन्न करना था। नहुष की कहानी के अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे नहुष के प्रताप को देखते हुए उनको देवराज इंद्र के पद पर बिठाया गया और क्या हुआ उसका परिणाम।